Namaskar. At the outset, on behalf of the scientists and engineers wing of the Prajapita Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalaya, I extend a very, very hearty welcome to all of you dear divine brothers and sisters to this beautiful campus of Gyan Sarovar. मैं आप सभी का बहुत बहुत प्यार से स्वागत करता हूँ, अभिवंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी वैज्ञानिकों ने और आप सभी अभियंताओं ने थोड़ा समय निकाला, और ख़ास कर बिकॉज बेसिकली साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स आर देयर टू गेट अ लॉट ऑफ डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस टू मेक दिस लाइफ सो ब्यूटिफुल एंड सो हैप्पी. बट बेसिकली फॉर द नेक्स्ट 3 days, the major theme of this particular conference is unlocking the secrets for life management. Jeevan prabandhan ke liye kuch ek secret hai, kuch ek rahasya hai, jis rahasyon ko hum dheere 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 agle 3 dinon mein hum zarur zarur usko discover karne ki koshish karenge. Aur aaj ka jo vishay hai, effective communication. Aur yahan par bhi aise kaun si baatein hain जो हमको आज तक शायद हमने कभी उस पर विचार नहीं किया. कम्युनिकेशन हमको लगता है इट्स जस्ट स्पीकिंग इंग्लिश हिंदी एक्सेट्रा, बट हम थोड़ा सा उसको एक डिफरेंट एंगल से देखने का आज हम ज़रूर प्रयास करेंगे. शुरू करने के पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप में से ऐसे कितने भाई बहने हैं जो पहली बार इस कैंपस में आए हैं, वो ज़रा हाथ उठाएँ. वेरी गुड, वेरी गुड. राइट, कैसा लग रहा है कैंपस? फीलिंग कम्फर्टेबल? आपका जर्नी कैसा था? अच्छा, योर स्टे इज ओके, कम्फर्टेबल, प्लेजेंट. मैं नीचे आज शांतिवन से आ रहा था, तो शांतिवन टुडे आफ्टरनून वॉज टचिंग 44 degrees नीचे, बिकॉज वी हैड सम प्रोग्राम्स इन शांतिवन कैंपस. आई वॉज टोल्ड इट्स 44, बट हियर इट इज मच प्लेजेंट, मच कूल एंड काम. ओके, लेट्स बिगिन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक. इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे. मुझे याद आता है एक बहुत ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. वंस आई वॉज इन्वाइटेड टू गिव अ सेशन. मैं बहुत जगह सेशंस लेते हैं, ये तो सुप्रिया बहन जी ने बताया, लेकिन जहाँ तक कम्युनिकेशन का सवाल है, तो मुझे एक स्कूल में जाने का चांस मिला. और उस स्कूल की विशेषता थी कि वहाँ जो सारे बच्चे थे ना, दे वर डेफ एंड म्यूट, सुन नहीं सकते हैं. और जो बच्चे सुन नहीं सकते ना, वो बोल भी नहीं सकते. देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज डेफ एंड म्यूट चिल्ड्रन. तो मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब मैं उनके स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में, मैं प्रिंसिपल मैडम के साथ बैठा था, तो मैडम ने मुझे बहुत प्यार से स्वागत किया और कहा, मैंने कहा आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू इंट्रैक्ट विद योर स्वीट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन. तो बोला आज हमारे बच्चे आपका इंतजार कर रहे, बिकॉज यू हैव कम ऑल द वे फ्रॉम मुंबई. तो मैंने कहा बट विच लैंग्वेज मैं कैसे कम्युनिकेट करूँ ना? तो उसके लिए मैंने बहुत सारा ना वीडियोज़ बनाकर दिखाए हैं, एंड आई प्रिपेयर्ड अ लॉट ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, क्योंकि मुझे मालूम था ये बच्चे सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं. सो आई थॉट आई विल शो देम लॉट ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बहुत वीडियोस में दिखाऊंगा. तो मैंने कहा मैडम आई प्रिपेयर्ड अ लॉट, मैंने वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वीडियो सब तैयार किया. बोला ठीक है, बट आप उनसे बातें भी करना, प्लीज़ कम्युनिकेट विद देम. मैंने कहा मैडम वो आपका ना वो जो साइन लैंग्वेज मुझे इतना नहीं मालूम, मैं तो बिल्कुल नहीं समझता हूँ, तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूँ? तो बोला नहीं, फिर भी आप बात तो करो ना उनसे, बोलो तो सही. तो मैंने कहा आप उसको डिकोड करेंगे क्या? There is some decode person who can decode. Well, yes, I'll do it, Swaminathan. But more than the videos, क्योंकि हम लोग बहुत समय videos से तो उनके साथ interact करते ही हैं. आप आए हो ना, तो आप उनसे बात करो. Right? You can speak in English, Hindi, any language, and I'll decode it. मैंने कहा that's okay. And she was keeping on insisting me. आप उनसे बात करना, आप उनसे बात करना. Video ठीक है, वो बहुत YouTube देखते हैं, हम भी दिखाते रहते हैं. Finally, when I went to the classroom, all the children were waiting for me. बहुत प्यार से उन्होंने अपने स्वरूप में मुझे स्वागत किया, और प्रिंसिपल मैडम भी साइड में खड़ी थी, एंड शी सेड आई विल ट्रांसलेट इट फॉर देम. तो मैंने बहुत प्यार से कहा, माय डियर स्वीट चिल्ड्रन, टुडे आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू मीट यू. और फिर मैंने मैडम को देखा, मैडम उनका जो लैंग्वेज होता है ना, तो बच्चों का चेहरा मैंने देखा, सो लॉट ऑफ इमोशंस आई कुड सी ऑन देयर फेस. फिर धीरे से मैं बोलना आरंभ किया, और कुछ समय मैंने सोचा उनको एक कहानी सुनाता हूँ. तो मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ ब्यूटीफुल स्टोरी. बोले यस. मैंने मैडम को दिखा, तो मैडम भी कह रहे हो स्टोरी का वो साइन लैंग्वेज बताया. फिर धीरे धीरे मैं स्टोरी बताने लगा, और स्टोरी बताने में मैं इतना घुल मिल गया ना, कि काफ़ी स्टोरी ख़त्म होने के बाद मैंने देखा मैडम ट्रांसलेट कर रही कि नहीं. जैसे ही मैं साइड में देखा, तो मैडम आराम से बैठ कर मुस्कुरा रहे. देखा मैडम बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया होगा ना, आप ट्रांसलेट क्यों नहीं कर रहे हो? आई थॉट यू आर
were simultaneously translating. To Madam Nikani, Swaminathan, they have understood what you are trying to communicate. मैंने कहा कैसे understood? मैं तो बोल रहा हूँ और ये सुन नहीं सकते. तो मैडम ने एक बहुत अच्छी बात मुझे बताई. मैडम ने कहा प्रकृति इतना सुंदर है कि अगर हमको कोई कर्मेंद्रियां काम नहीं करती है ना, तो प्रकृति उन बच्चों में एक ऐसी शक्ति दे देता है जो आप जो बोल रहे हैं आपके लिप्स के मूवमेंट से वो कैच कर सकते हैं. दे आर एबल टू गेट वॉट यू आर ट्राइंग टू स्पीक. और फिर मैंने उनसे पूछा आपको समझ में आया? मैंने कहा मैडम यू जस्ट ट्रांसलेट एंड शी ट्रांसलेट इन अ साइन लैंग्वेज. सब बच्चे सर That day was a very unique experience for me. For the first time, I was trying to communicate to those children जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, but उनकी जो intuitive power है या जो power प्रकृति ने उनको दिया है, वो सामने वाले व्यक्ति के भाव को उनके उस lips के movement से बहुत हद तक वो catch कर सकते. और वो madam ने कहा, Swaminathan, we invited you not for your words. But what is very, very important in communication is, for example, माँ का अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार होता है. अलग अलग शब्दों से, अलग अलग भाषा से उस भाव को एक माँ एक्सप्रेस करती है. For example, if the mama and the baby understands English, the mother will say, my dear child, I love you. Now that's English. अगर माँ और बेटा दोनों हिंदी जानते हैं तो माँ क्या कहेगी, बच्चे मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, राइट? अगर दोनों मलयालम जानते होंगे तो क्या कहेंगे, दैट्स माय नेटिव लैंग्वेज. अम्मा कुटीनर तो परियम ज्ञान निंदर तो वाल कूल स्नेहिक नंड. समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? या तो यस बोलिए या तो नो बोलिए. यस, समझ में आया. बिकॉज स्नेहम स्नेहिक नुद, आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग इन अ लैंग्वेज, राइट? बंगाली में कैसे कहेगी माँ हमें कि तुम्हें बालू बाची. अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म में सारा भाषा हमको सिखाए थे, राइट? नाउ ये जो है शब्द है और ये भाव को हम लोग अलग अलग भाषा में बोलते. टू मेक इट मच मोर क्लियर, नाउ व्हाट दैट प्रिंसिपल वाज मैडम वाज ट्राइंग टू टेल मी वाज, सपोज आप अपने बेटे को मोबाइल में एक SMS मैसेज भेजते हो, माय डियर चाइल्ड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, I wish you all the best. I love you. जैसे आपने वो अपने बेटे को SMS मैसेज भेजा, now that is in a language. It could be any of the languages across the world. लेकिन उस words को टाइप करने के पहले आपके मन ने वो संकल्प किया, yes or no? Yes. और जो हम अपने मन में जो संकल्प करते हैं, that becomes your flow of energy. ऊर्जा का प्रवाह. तो अगर आपको लगता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में यहां आकर किस तरह से बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एट ऑल. इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत सारे ट्रेनिंग होते हैं, बट आप एक डिवाइन जगह आए हो जहां पर आपको कुछ एक ऐसे सीक्रेट्स अगर आपको पता चल गया, विच मे बी आज तक कोई कम्युनिकेशन में हमको बताया नहीं गया होगा. एंड फॉर द लास्ट 22 years I am in associated with the scientist engineers wing of the Brahma Kumaris Vidyalaya. आज आप सभी भाई बहनों को first session में on time देखता हूँ, तो मुझे वो दिन याद आता है, 22 years before, way back in October 1996, जब मैं पहली बार आपकी तरह scientist और engineers wing में ज्ञान सरोवर में आया था. और मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह से याद है, जब मैं जैसे ही मैं अपना वो program schedule देखा और मुझे पता चला कि the first session, and I remember I was the first person to come and sit in the class. I was so excited with this particular place. What new things that these people are going to tell me? And the 3 days was such a beautiful journey in my own life. और उस समय तो ना तो Peace of Mind TV channel था, ना तो कोई ब्रह्मा कुमारीज को जानता था. So it was actually a very, very wonderful secret for me. Basically, communication is the flow of energy. हमारा ऊर्जा का प्रवाह. और अक्सर कहते हैं कम्युनिकेशन शुड बी वेरी वेरी इफेक्टिव. क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है? कहते हैं संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं. देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड. कौन से होते हैं दो प्रकार के लोग? वाओ, हाँ, अच्छे और बुरे. शुरू तो क्या कम्युनिकेशन, नहीं तो इट्स वुड बी ओनली वन वे ट्रैफिक. यहां सभी अच्छे बैठे हैं, अच्छे और बुरे होते हैं, यहां सब अच्छे हैं.
कुछ और बताइए. There are two categories of people in this world, positive and negative. Very good. और बताइए. अच्छा, बोलने वाले और सुनने वाले. Very good. हाँ, very good. ये तीन दिन, you are very clear with your roles. ये तीन दिन हमें क्या करना है. अब बीच में सोने वाले नहीं बनना. मेरे क्लास में अगर मेरा तीन सेशन आज है, कल दो सेशन है, अगर मैंने किसी को भी झपकी लेते हुए देखा, हाँ, बोलने वाले सुनने वाले ठीक है, कोई भी सोने वाला नहीं बनेगा सर. हैं, हाँ, अगर मैंने किसी को भी सोते हुए देखा तो वहां से उठाऊंगा और यहां बिठा दूंगा. बहुत सारे सीट्स खाली है. ओके, अच्छा बताइए, और दो प्रकार के लोग होते हैं, आस्तिक होते नास्तिक होते. अच्छा, जो बोलते हैं और जो बिल्कुल नहीं बोलते. अच्छा, ओके, साइलेंट. ओके, अच्छा 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 जो बोलने के पहले सोचते हो, जो बोलने के बाद सोचते हैं. वेरी गुड. मैंने अपने मुंबई के इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पूछा, भाई दो प्रकार के लोग होते, एक खड़े होकर कहता सर बॉयज एंड गर्ल्स सर. मैं कहा वाह, व्हाट एन आंसर. आई गेट वेरी गुड आंसर्स. आई वाज इंडस्ट्री, तो मैंने कहा दो प्रकार के लोग होते. तो उसका जो मैनेजर बैठा था वो कहता है स्वामी भाई, और संसार में कितने प्रकार के लोग होते वो तो नहीं पता है, लेकिन हमारे ऑफिस में टू कैटेगरीज ऑफ पीपल. I was very excited. बताइए सर, बताइए. बोला first category of people hard working, second category of people hardly working sir. Very true. But कहते हैं संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, ध्यान से सुनना. पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते जब वो आते हैं. पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते जब वो आते हैं, और दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते जब वो जाते हैं. होता है? Yes. कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलकर हमारा चेहरा एकदम खिल जाता है, और कुछ लोग होते हैं वो वहां से आते हम यहां से कट हो जाते हैं. होता है? You know why it happens? It happens क्योंकि हमने उस व्यक्ति के साथ ना जब भी कम्युनिकेट किया, there was a flow of energy. हम लोग दोनों के बीच में ज्यादा बोल नहीं हुआ था, ज्यादा शब्द नहीं हुआ, बट इट वॉज अ ब्यूटिफुल हार्मोनियस इक्वेशन. कुछ लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं, शायद वो ज्यादा बोलते नहीं होंगे. क्यों अच्छे लगते हैं? राइट, इट्स बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल फ्लो ऑफ एनर्जी. सारा खेल ये है हमारा मन. तो जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है. कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. द लैंग्वेज इज बाइनरी, मशीन लैंग्वेज, जीरोस एंड वंस. तो जब हम कंप्यूटर से बात कर रहे हैं ना, तो कंप्यूटर की भाषा समझना बहुत जरूरी है. जब मैं आपके सामने बैठा हूं, यू आर द ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ मी, इफ आई एम कम्युनिकेटिंग, आई शुड बी वेरी क्लियर व्हाट लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड. मुझे बताया गया है, मोहन सिंगल भाई जी ने मुझे बहुत प्यार से आज सुबह बताया कि नहीं, यहाँ जो लोग आने वाले हैं स्वामीनाथन, दे आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी. तो मैं जहाँ तक हो सके इंग्लिश हिंदी में कम्युनिकेट करूंगा. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അരെ കുറിച്ച് ബോൾത്തി നീ. अगर मैं यहाँ खड़े होकर मलयालम में बोलने लगूंगा तो क्या होगा? आप लोग कुछ समय तो बैठे रहेंगे, फिर धीरे से वहां से खिसकने लगेंगे, और फिर मोहन भाई जी को कहेंगे किसको उठा के लेकर आए. दैट इडियट फेलो इज स्पीकिंग इन मलयालम. आई शुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दैट यू अंडरस्टैंड. सेम थिंग दोस्तों, सारा खेल कम्युनिकेशन इज विद द फ्लो ऑफ एनर्जी. तो बताइए मन की भाषा कौन सी है? व्हाट्स द लैंग्वेज ऑफ द माइंड? मुंबई के मैंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पूछा, Dear sweet children, what's the language of the mind? एक खड़े होकर कहता सर आउट ऑफ सिलेबस सर. मन मन के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता, so don't ask out of syllabus. Okay, okay, I understand. Okay. मैंने कहा okay, my dear engineering students, मन की भाषा तो मैं पूछ नहीं सकता. What is an engineer's language? हाँ, now don't say out of syllabus. What's an engineer's language? Yes, engineer's language is engineering drawing. Engineer's language is graphics. Yes. It's pictures, it's images. उसी तरह मन की भी एक भाषा है, और मन की तीन भाषा है. The three language of the mind. The first one is music. The second language is color. And the third language is images. संगीत, रंग और चित्र. इसे बच्चों का कभी कभी, I was doing a session down there in Shantivan. करीब 3,000 बच्चे आए हैं, समर कैंप चल रहा था, और मैं तीन दिन से बच्चों के साथ ही था. तो मैं बच्चों से यही पूछ रहा था, बच्चों पढ़ाई में मन लगता है? नो सर.
कि बच्चे मन कहाँ लगता है? सर कार्टून शोज में मन बहुत लगता है। तो जब बच्चा कार्टून शो देखता है तो उसको वो अट्रैक्ट इसलिए करता है क्योंकि उसमें म्यूजिक है, उसमें कलर है, राइट, और उसमें चित्र है। दैट्स द सेम थिंग ऑफ अ माइंड। मैं इन तीनों भाषा को थोड़ा थोड़ा टच करूंगा। द फर्स्ट वन इज म्यूजिक। जब हम कम्युनिकेट करते हैं और म्यूजिक में तीन बातें होती है, एक होता शब्द, दूसरा होता सुर और तीसरा होता ताल। और अक्सर हम लोग कहते हैं सुर, ताल और शब्द, और इनके बीच में जब एक हार्मनी होती है ना, तो जब तीनों का जो मिक्सचर होता है विद डिफरेंट परमिटेशन कॉम्बिनेशन बिकम्स म्यूजिक एंड इट लुक्स वेरी प्लेजेंट। हमारे हमको सुनने में बहुत बहुत आनंद आता है। उसी तरह दोस्तों, हम जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करें तो ये शब्द, सुर और ताल का थोड़ा सा हम ध्यान रखें। सबसे पहले जो है शब्द, व्हाट वर्ड्स वी आर यूजिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जो डेफ और म्यूट का जो एग्जांपल आपको दिया, आई वॉज इंटरेक्टिंग विद माई पोस्ट ग्रेजुएट MBA स्टूडेंट्स, और जब मैंने कहा, मुझे याद आता है जब मैं उस क्लास में गया, मैंने कहा टुडे आई एम गोइंग टू शेयर एन एक्सपीरियंस विद डेफ एंड डम्ब स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा, सर सॉरी सर, यू आर नॉट यूजिंग द राइट वर्ड। मैं कहा क्यों? बोला सर आप थोड़ा सा सर्च करके देखिए, एक समय पर जो बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उसको डेफ और डम्ब कहते हैं। बट सर टुडे वी हैव चेंज्ड द वे ऑफ वर्ड्स। मैंने कहा ओके, आई एम सो सॉरी, मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस है, प्लीज करेक्ट मी। दैट स्टूडेंट करेक्टेड मी, सर इट इज डेफ एंड म्यूट सर। डम्ब के बदले में आप उसको म्यूट बोलो सर, इट लुक्स सो प्लेजेंट। किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान, उसका जो सेल्फ एस्टीम को सर, यू हैव गॉट नो राइट टू ब्रेक इट, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ यू आर एबल टू लिसन टू यू आर नॉट। डोंट कॉल देम डेफ एंड डम, कॉल देम डेफ एंड म्यूट, राइट। हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, टुडे इट इज कॉल्ड एज डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, दिव्यांग बच्चे, इट लुक्स सो प्लेजेंट, राइट। अच्छे शब्द यूज करो। तो मैं अपने सारे वैज्ञानिक और अभियंता दोस्तों से पूछना चाहूंगा, आप में से ऐसे कितने दोस्त जो यहां बैठे हैं जो बहुत स्वीट हैं, जो बहुत मीठे हैं, वो जरा हाथ उठाइए। बाप रे, आजू बाजू देख रहे, हस्बैंड वाइफ को देख रहे, वाइफ हस्बैंड को देख रहे। अरे भाई, खुद आपसे पूछा ना, आप दूसरे का सर्टिफिकेट क्यों लेते हो? हाँ, आप में से ऐसे कितने हैं जो बहुत मधुर, बहुत स्वीट हैं, बहुत मीठे हैं, वो जरा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। क्यों, बाकी क्या हुआ? कोई बात नहीं, हाथ नीचे रखो। स्वामी भाई, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, व्हाट डू यू मीन बाय इट यार, जो बहुत स्वीट है, जो बहुत मीठे हैं। मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, आप में से कितने मेरे दोस्त हैं जो डायबिटिक हैं? अब स्वीट मतलब क्या है? डायबिटिक ना, नाउ इंस्टेड ऑफ कॉलिंग समबडी डायबिटिक हो, आप उनसे पूछो हाउ मेनी ऑफ यू आर सो स्वीट, उनका चेहरा एकदम खिल जाएगा, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, एंडोर्फिन्स एंडोरफिन्स, द वर्ड्स दैट यू आर यूजिंग। अच्छा, आप में से कितने हैं जो दिल वाले हैं, वो हाथ उठाइए। सारे के पास दिल है, किस हिसाब से दिल वाले मुस्कुराते हुए हाथ उठा रहे, किस हिसाब से दिल वाले, किस हिसाब से दिल वाले? अच्छा हाँ, मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा आप में से कौन कौन दिल वाले, बच्चों ने भी ऐसी आपकी तरह मुस्कुराते हुए हाथ उठाया। मैंने कहा किस हिसाब से दिल वाले? एक खड़े होकर कहता सर दिल वाले वो जो दुल्हनिया को लेकर जाते सर। मुझे याद आता कुछ वर्ष पहले आई वॉज देयर फॉर अ ट्रेनिंग सेशन इन द यू नो मेडिकल कॉन्फ्रेंस, और मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जब यहाँ पे आया तो ये शब्द यूज किया गया दिल वाले, मुझे बड़ा अच्छा लगा शब्द। और मुझे वो याद आते डॉक्टर सतीश गुप्ता कहते हैं हमारे पास राइट एट द मेडिकल विंग या ग्लोबल हॉस्पिटल में या नीचे ट्रॉमा हॉस्पिटल में, जो भी व्यक्ति जिसको हार्ट के प्रॉब्लम होते ना उसको हम दिल वाला कहते हैं। माई गॉड, इट वॉज सो प्लेजेंट टू हियर दैट, अ हार्ट पेशेंट बी कॉल दिल वाला। तो फिर किसी ने ऑडियंस से पूछा, अच्छा अगर हस्बैंड को प्रॉब्लम है हार्ट का तो वाइफ को क्या कहेंगे? तो डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा उसको कहेंगे सात वाला, दिल वाला एंड सात वाला, राइट। इट्स सो प्लेजेंट टू हियर सच काइंड ऑफ वर्ड्स। तो हम जब आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें, हर शब्द को हम देखें। नंबर टू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो सुर है, सुर जैसे होता है ना हमारा म्यूजिक में भी, सा से लेकर सारे गामा पा धा नि सा, राइट, ये सुर है। लेकिन ये जो
सुर होता है ना, कुछ जो सा होता है, जब आप गीत गाते हो ना तो सा रे गा सा, सेम वर्ड है, एंड यू कैन यूज डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. उसी तरह जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो देयर आर वेरियस इमोशंस दैट वी एक्सप्रेस, पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर. मैं आज बच्चों से पूछ रहा था, टुडे आई वाज आस्किंग सम चिल्ड्रन एंड वी वर ट्राइंग टू डू अ लिटिल बिट ऑफ स्टडी. मैंने कहा बच्चों अच्छा बताइए कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको थोड़ा चैलेंजिंग लगता है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा मैथमेटिक्स. मैंने कहा ओके ओके मैथमेटिक्स राइट. फिर मैंने धीरे से पूछा अच्छा बच्चों, धीरे से मैं मन की भाषा में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने लगा. मैंने कहा अच्छा बताओ बच्चों म्यूजिक अच्छा लगता है? सारे बच्चों ने हाथ उठाया, हम सबको अच्छा लगता है म्यूजिक. मैंने कहा ग्रेट. फिर वो 15-20 बच्चे हम लोग उसको शूट कर रहे थे, स्टूडियो में बच्चों को लेकर रहे थे. मैंने कहा कौन सा म्यूजिक आपको पसंद आता है? एक ने कहा आई लाइक वेरी साइलेंट म्यूजिक. मैंने कहा ओके ओके आपको कौन सा अच्छा लगता है? बोला सर मुझे ना बहुत रिदम वाला इंग्लिश ढम 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 वाला लगता है. ग्रेट. मैंने तीसरे से पूछा, एक गर्ल स्टूडेंट कहती है मुझे वो गीत, पुराने गीत, मोहम्मद रफी के, किशोर कुमार के गीत अच्छे लगते हैं, विच आर वेरी मेलोडियस. मैंने कहा ग्रेट. यू नो कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. यू नो व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज सर्टनली नॉट देयर आईक्यू. एंड बिलीव मी, माय 25 इयर्स ऑफ एकेडमिक एक्सपीरियंस, आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट. बच्चा जब स्कूल में जाता है उसका जो म्यूजिक, किसी को लाइट साइलेंट म्यूजिक अच्छा लगता है, किसी को मेलोडियस अच्छा लगता है, किसी को ढमढम वाला म्यूजिक अच्छा लगता है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टीचर हु इज एंटरिंग द क्लासरूम. पता है वो टीचर पता क्या आएगी? जैसे ही टीचर आकर कहेगी माय डियर स्वीट चिल्ड्रन टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अलजेब्रा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab + b², और जो मेलोडियस वाली बच्ची होगी ना वो इतना ध्यान से सुनेगी. जस्ट इमेजिन करिए, जो बच्चे को बहुत साइलेंट म्यूजिक अच्छा लगता ना तो टीचर को क्या करना चाहिए? माय डियर स्वीट चिल्ड्रन टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अलजेब्रा a + b² वो जो साइलेंट बच्चा होगा ना उसको प्यार से देखता रहेगा और सारा डाउनलोड होता जाएगा क्योंकि उसको वो साइलेंट म्यूजिक पसंद आता है. जस्ट इमेजिन करिए वो जो बच्चे जिसको इंग्लिश रिदम अच्छा लगता है तो टीचर कैसा बोलना चाहिए जरा ट्राई करो. आप लोग ट्राई करो, इंजीनियर्स प्लीज बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स. कैसा बोलना चाहिए? टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अलजेब्रा a + b. वो बच्चा क्योंकि वो सुर के साथ वो मैच कर रहा है. दैट्स हाउ. फिर किसी एक टीचर ने मुझे प्रश्न पूछा, फिर मैडम बच्चे तो 60 बच्चे हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए? मैं कहा हर दिन अलग अलग सुर से आप गीत गाओ. दैट्स द ओनली चॉइस दैट यू हैव, डिफरेंट सुर. गीत जो होता है ना, एक ही गीत, वंदे मातरम आप देखिए, लता मंगेशकर ने भी वंदे मातरम गाया, A.R. रहमान ने भी गाया, कितना ब्यूटीफुल लगता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर ताल. ताल इज योर म्यूजिकल मीटर. ताल को हम पकड़ते हैं ना राइट, जैसे ही वो एक खत्म होता है यू सी सम पीपल ताल को, यू सी सम पीपल टैपिंग, इट्स अ ताल. मतलब क्या है? इट्स अ म्यूजिकल मीटर. हर शब्द के बाद कितना समय होना चाहिए? और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं राइट, आज आप यहां पर आए हो ना, पहला दिन, अपने जीवन का एक लक्ष्य रखिए, जब भी कोई बोलता है इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करो. माय सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू माय डियर स्वीट फ्रेंड्स, इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम. मेरा यह संस्कार था, मुझसे जब भी कोई कम्युनिकेट करता था ना मैं इमीडिएटली रिएक्ट करता था, और धीरे धीरे मैंने ये देखा कभी कभी वो रिएक्शन में गुस्सा, कभी कभी आवेश आ जाता है. 3 दिन में आप ये ट्रेनिंग करना, जस्ट इंक्रीज योर रिएक्शन. आई नो ऑल ऑफ यू आर इन रिस्पॉन्सिबल पोजिशन, इतनी तो समझ मुझ में भी है. तो ये कोई नहीं बताए कि नहीं नहीं सर हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, यहाँ बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स आएंगे ना, दे आर ऑल्सो इन देयर प्रोफेशंस. हाँ कुछ भाई बहनें समर्पित हैं जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित होकर सेवाएं देते, लेकिन बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स दे आर इन देयर प्रोफेशंस. सो वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इन अ डे टू डे लाइफ. इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम और रिस्पॉन्ड करिए. कैसे रिस्पॉन्ड करिए? वो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिव फ्लो ऑफ एनर्जी. सो द फर्स्ट स्टेप, जो मन की भाषा वो है म्यूजिक, दूसरी मन की भाषा है वो है रंग, कलर, द फ्लोरा एंड फौना ऑफ इमोशंस. कहते हैं द फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन.
तो वो जो व्यक्ति का जो भाव है उसके चेहरे में दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड, आपका चेहरा मन का दर्पण है। यस और नो? यस। लेकिन इसे जब भी हम किसी से मिले तो कैसे मिलना चाहिए हमें? मुस्कुराता हुआ, स्माइलिंग, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुस्कुराता हुआ मिले, मुस्कुराना तो बहुत सिंपल। आई विल गिव यू अ केस स्टडी। जस्ट इमेजिन करिए इट्स अ संडे मॉर्निंग और आप आराम से उठते हो और डिसाइड करते हो एक हफ्ता बहुत टफ था ऑफिस में, संडे में मैं आराम से रेस्ट करूंगा। द लेडीज ऑल्सो एट रेस्ट, यू आर ऑल्सो रेस्ट, बच्चे आराम से उठ रहे हैं और सडनली आपको एक फोन कॉल आता है। फोन कॉल हम देखते हो योर गुड फ्रेंड, और वो फ्रेंड कहती है कि आई वी जस्ट पासिंग थ्रू दिल्ली, राइट, और दिल्ली में क्या हो गया, मेरा जो फ्लाइट है ना इज डिलेड बाई 3 आवर्स, तो प्लीज मैं आपके घर में आ जाऊं क्या? क्या होगा आपका? थोड़ा बीपी तो बढ़ेगा। ये अब ना भी नहीं बोल सकते, हाँ भी नहीं। यस वी हैव नो अदर चॉइस, 3 घंटा डिले हो गया सुबह, कैन वी कम? आप कहते हो यस यस प्लीज कम, यू आर हार्टली वेलकम। अब वो आधा घंटे में पहुंच रहे, अब आधा घंटे में आपका मन चल रहा है, बाप रे आज रेस्ट था, अब इनके लिए 3 घंटा भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं और क्या खिलाना पड़ेगा। ऑल दिस इज हैपनिंग एंड इट्स वेरी नेचुरल, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ये सारे इमोशंस आपके मन में आते हैं और जैसे आधे घंटे में बेल रिंग होता है आप धीरे से दरवाजा खोलते हो और आपका चेहरा कैसा होता है? 32 बिना का स्मेल, आइए आइए, बाप रे आज मुझे इतनी खुशी हुई, बोलते रहे हो चेहरे में सारा मुखौटा पहनते हुए। आपकी बात नहीं कर रहा, आप लोग तो अच्छे लोग हैं, अक्सर ऐसा होता है, यू आर ऑल वेरी गुड पीपल, है ना? उन्होंने कहा ना अच्छे और बुरे, लेकिन यहाँ सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, राइट? हम कितना मास्क पहनते हैं, कितने मुखौटे पहनते हैं और हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आइए आइए, स्वागतम स्वागतम, हम बहुत कितने दिनों के बाद मिले हैं, बोल भी रहे हैं, चेहरे में भी आ रहा है। लेकिन सत्यता सिर्फ आप जानते हो और आपके हस्बैंड जानते हैं, क्योंकि अभी अभी बोल के रहे पता नहीं अब मैं कितना खाना बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, तो हम जाके सब्जी खरीद के लेकर आओ। इट्स एब्सोल्युटली ओके, लेकिन जस्ट इमेजिन करिए जो सारा जो भाव होता है ना किसी व्यक्ति का भाव को अगर आपको पकड़ना है तो इट्स नॉट जस्ट द फेस। कहाँ से पता चलेगा एक व्यक्ति का भाव, राइट, कहाँ से पता चलता है? यस, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में मैंने एक सीक्रेट देखा और सीक्रेट को मैंने समझा कि कोई व्यक्ति कैसा है उसके चेहरे से ज्यादा उस व्यक्ति का जो भाव है, उस व्यक्ति के जो इमोशंस के जो रंग है ना, अगर आपको कैच करना है, इट्स नॉट जस्ट योर आईज, इट्स योर दृष्टि। शब्द वो यूज करते हैं दृष्टि। इसलिए इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में हमने देखा कि हमारा जो सारा कम्युनिकेशन होता है ना वो हमारी दृष्टि से होता है। यस, छोटे बच्चों की दृष्टि को आप देखना, इतना शुद्ध, इतना स्वच्छ, इतना पवित्र, और धीरे धीरे उसका जो भाव जो होता है ना धीरे धीरे उनके नयनों में दिखाई देता है। कभी कभी मैं गर्ल्स को, व्हेन वी डू अ ट्रेनिंग ऑन सेफ्टी, सुरक्षा पर जब हम ट्रेनिंग करते हैं ना, कैसे पता चलेगा कि मेरा जो फ्रेंड मेरे साथ है उसका भाव क्या है, राइट? तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, जस्ट कीप ऑन लुकिंग एट द पर्सन्स आईज एंड ट्राई टू कैच द दृष्टि। दृष्टि को देखो किसी व्यक्ति, और हम सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन हमारी दृष्टि हमेशा सत्य बोलती है। और इसको करने के लिए कोई PhD की जरूरत नहीं है, वो छोटा बच्चा भी समझ जाता मामा की दृष्टि, राइट? मामा बोल रही है बहुत कुछ, वो बच्चा सुन नहीं रहा है और अचानक मामा उसको देखती है, वो छोटू मामा 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 मामा, यस, बस वो माँ ने देखा, वो छोटू ने एकदम कैच किया। मामा ने बहुत समय तक बोल रहे थे, अब धीरे से मामा अपना वो जो भाव है वो चेंज कर रहे हैं, बस देखा एंड द बॉय अंडरस्टैंड्स, नाउ द मामा इज गोइंग टू एक्सप्लोड। यस, सारा खेल दृष्टि। इसलिए आपने सुना होगा ना, आंखों ही आंखों में इशारा हो जाता है, वाओ, यस, सारा खेल हमारी दृष्टि पर है। इसे 3 दिन आप यहाँ पर है ना, यहाँ पे जो भी बड़े आपसे मिलेंगे ना, आपको अगर कोई प्रसाद दे रहे हैं, आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, ईश्वरीय गिफ्ट, तो आपको बहुत प्यार से देखेंगे,
आप भी उनको बहुत प्यार से देखना। वैसे अगर आप बाहर कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो दे स्पीक अबाउट आई कॉन्टैक्ट, दे ऑल्सो स्पीक अबाउट आई कॉन्टैक्ट। लेकिन हम यहाँ पर आई कॉन्टैक्ट की सिर्फ बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे उस दृष्टि की। और कुछ समय के बाद आपका अंदर का भाव जब बहुत प्योर, जब बहुत श्रेष्ठ होता है ना, धीरे धीरे आपकी दृष्टि परिवर्तन होती है। और जैसे ही आपकी दृष्टि परिवर्तन होती है, कुछ समय के बाद आप देखना आपकी सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। सो नंबर वन इज म्यूजिक, नंबर टू इज कलर विच इज रिफ्लेक्टेड नॉट जस्ट बाय योर फेस बट योर दृष्टि, एंड द लास्ट वन इज इमेजेस, चित्र विच इज एन इंजीनियर्स लैंग्वेज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन। व्हाट एम आई गोइंग टू टेल यू? देखिए दोस्तों, हम लोग जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, राइट, हम ये बताने की कोशिश करते हैं अक्सर करकर कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूं, राइट। कहीं ना कहीं हम ये रिफ्लेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे भाषा में आता है। या तो हम अपना पोस्ट बताएंगे, नहीं तो डेजिग्नेशन बताएंगे, नहीं तो अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे। मैं यहाँ यहाँ पढ़ाता हूँ, मैंने यहाँ यहाँ लेक्चर दिया है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। मुझे ये नहीं पता कि यहाँ जो सामने वाले बैठे हैं स्वामी भाई से बहुत बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। बट दैट्स हाउ इट हैपेंस एवरीवेयर इन अ कम्युनिकेशन। दो जन बात कर रहा है तो हमेशा ये युद्ध चलता रहता है कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। एब्सोल्युटली ओके, हम अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहे। लेकिन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, परमात्मा भी यहाँ पर आकर कहते हैं बच्चे अपने आप को हीरो पाठधारी समझो। और ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वी आर प्लेइंग वेरियस डिफरेंट रोल्स। यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ मदर, यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ सिस्टर, यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ वाइफ, यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ गुड फ्रेंड, यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ डॉटर। आप रोल प्ले कर रहे हो और हर रोल में डायलॉग्स अलग होते हैं। और ये सारे जो रोल प्ले कर रहे हो, निश्चित तौर पर आप इस पूरे स्क्रिप्ट के आप हीरो हो। एब्सोल्युटली यू आर द हीरो, राइट। अच्छा, ये पूरे सृष्टि रूपी रंगमंच में आप हीरो पाठधारी हो, राइट। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर कौन है? वाओ, द ऑलमाइटी गॉड। अपने लिए जरा जोर से तालियां बजा लीजिए। ग्रेट, पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल का बड़ा प्रभाव है यहाँ पर, है। अगर मैं 15 साल ये पूछ रहा डायरेक्टर कौन है तो पता नहीं कितने नाम आ जाते थे। बट आप लोगों ने एक साथ कहा कि द डायरेक्टर इज द ऑलमाइटी गॉड। ओके, अच्छा प्रोड्यूसर कौन है? अरे डायरेक्टर वो है, प्रोड्यूसर कौन है? हाँ, कुछ जगह होता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक हो जाता है स्पेशल केसेस में। अगर प्रोड्यूसर कौन है? अरे आप तो हीरो हो ना, क्यों पेरेंट्स अपनी जगह हीरो हैं? डायरेक्टर इज द सुप्रीम गॉड। आप सृष्टि रूपी रंगमंच में जो रोल प्ले कर रहे हो आप हीरो हो, हीरोइन भी हैं। प्लीज आप लोग गलत नहीं समझना, हीरोइन हो, लेकिन हीरो इज एवरीबॉडी इज अ हीरोज रोल, राइट। मैं पूछ रहा हूँ प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर इज नेचर, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर परिस्थितियां, नहीं परिस्थितियों के हिसाब से आप रोल प्ले कर रहे हो ना, प्रोड्यूसर कौन है? अच्छा परिस्थितियां, थोड़ा नजदीक आ गया। प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर, अरे आप हीरो हो ना, कितनी बार बोलूं आपको, आप हीरो हो। प्रोड्यूसर इज द टाइम, समय आने पर आपको डायलॉग बोलना पड़ता है, इसलिए परिस्थिति इज वेरी क्लोज। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगले 3 दिनों में यू शुड ऑलवेज बी ऑन टाइम। जैसे इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, आप सभी मेरे साथ बोल सकते हैं, सभी बोलिए, इफ आई रिस्पेक्ट टाइम व्हेन टाइम कम्स टाइम वुड रिस्पेक्ट अस। आपने मुझे 4:30 बोला, आई वॉज हियर ऑन 4:29। स्वामी भाई के लिए थोड़ा उतार तालियां तो बजा लीजिए। यस, आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई टाइम। मैं बहुत चाहता हूँ कि आई शुड बी डिसिप्लिन, आई शुड बी पंचुअल। आप 3 दिन ये सेशंस में आना, ठीक है, आप लोग टाइम पर आना। लेकिन बताइए दोस्तों, बाई चांस बिकॉज ऑफ सम रीजन प्रोग्राम डिले हो गया तो आपका चेहरा कैसा होना चाहिए? पता नहीं क्यों आया टाइम, इतना लेट क्यों करते हैं, बुला लेते टाइम पर, होता नहीं है, ये सारी दुनिया ऐसी है। दैट्स योर फ्लो ऑफ एनर्जी, राइट। आप में से कितने लोग हैं जो डिसिप्लिन और पंचुअलिटी को बहुत अहम मानते हैं, आपको लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ है, वो जरा हाथ उठाएं। हाँ, जितनों ने भी हाथ उठाया ना, आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस है। हार्ट अटैक होगा आपको,
जरूर होगा। क्या स्वामी भाई क्या बोलते हो, आज तक हमको सिखाया गया था इफेक्ट पंचुअलिटी डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पंचुअलिटी डिसिप्लिन इज वेरी गुड, आप में बहुत अच्छे संस्कार हैं, प्लीज कीप इट अप। हार्ट अटैक तब होगा जब आप चाहोगे सारी दुनिया भी मेरी तरह पंचुअल और डिसिप्लिन हो, तब आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस है। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इसे मैंने सुप्रिया बहन और मेघा बहन को कहा, वी विल बी देयर शार्प 4:30, वी विल स्टार्ट द क्लास। कोई आए नहीं आए उनको आने दो ना, हम लोग धीरे से प्यार से स्टार्ट कर दे। आई कैनॉट एक्सपेक्ट द होल वर्ल्ड टू बी पंचुअल एंड डिसिप्लिन, क्योंकि पंचुअलिटी एंड डिसिप्लिन इज सो रिलेटिव, सबके लिए अलग अलग मापदंड है। मैं क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, मैं क्यों हार्ट अटैक को लेकर आ रहा हूँ, आई कैन बी ऑलवेज ऑन टाइम। इसीलिए टाइम जो है ना प्रोड्यूसर है। अच्छा बताइए राइट, ये तीनों रोल्स के साथ वी हैव ऑल्सो टू प्ले अ वेरी वंडरफुल रोल। कभी कभी हीरो भी प्रोड्यूसर भी हो जाता है, डायरेक्टर भी हो जाता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन हीरो के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो सारे सृष्टि रूपी रंगमंच में जरूरत है, कौन है वो, थोड़ा जोर से बोलिए सर। अरे वाह, विलन। विलन जब तक नहीं आए ना तो हमारी कहानी पूरी नहीं होती है, ठीक है। माई डियर फ्रेंड्स, आज यहाँ बैठ कर चेक करना, हम लोग हीरो तो हैं और हीरो हम स्वयं अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं और अपने स्क्रिप्ट में हम अपने आप को हीरो बनाते हैं। तो आप हीरो हो, आप इसलिए हीरो बने क्योंकि आप स्क्रिप्ट राइटर थे, राइट? आप स्क्रिप्ट राइटर, और आपके स्क्रिप्ट में हीरो का पार्ट आपको ही मिलेगा। लेकिन सुबह से शाम तक मैं हीरो हूं, सुप्रीम डायरेक्टर भगवान, प्रोड्यूसर इज द टाइम, लेकिन चलते चलते कितनों को हम विलन का टाइटल दे देते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है। जस्ट इमेजिन करिए, स्वामी भाई के घर में सपोज अ ग्रेट हीरो कम्स, अमिताभ बच्चन, राइट? मैंने कितनी बार केरला में जाकर कहा परमात्मा इस धरती पर उतर चुके हैं, कोई भी मेरे घर में नहीं आया, वो बताने के लिए, वो संदेश देने के लिए कोई नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि मेरे घर में अमिताभ बच्चन आ गया तो मेरे सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, बाप रे अमिताभ बच्चन ग्रेट हीरो, राइट? अब सारे पब्लिक आ गई और मुझे कहा गया स्वामी भाई आप अमिताभ बच्चन का इंट्रोडक्शन करो, तो सारे अमिताभ बच्चन के पंखे बैठे। अब जैसे ही मैंने अमिताभ बच्चन को इंट्रोडक्शन किया, मैंने कहा बहुत महान हीरो हैं, कितना अच्छा एक्टिंग करते हैं, तो उनके जो सारे पंखे हैं ना बहुत प्यार से सुनेंगे, और क्योंकि मैंने उनके हीरो की महिमा की, सो दे विल बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइंड। जैसे ही मैं निकलूंगा ना तो एक दो आकर बोलेंगे कितना अच्छा बोला स्वामी भाई, राइट? अब बाई चांस अमिताभ बच्चन है मेरे साइड में बैठे हैं और पूरे उनके पंखे बैठे हैं और मैं कम्युनिकेट करता हूँ, इसको एक्टिंग करना कुछ आता है क्या? बकवास एक्टिंग करता है, इसको एक्टिंग करने का एबीसी नहीं पता। जैसे ही मैं बोलकर बाहर निकलूं तो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, तू बाहर आ, तू बाहर आ, क्योंकि मुझे अमिताभ बच्चन की एक्टिंग पसंद है, ये मेरी प्रॉब्लम थी, लेकिन उनके पूरे पंखे बैठे थे जो अमिताभ बच्चन के का एक्टिंग को पसंद करते, और अगर जैसे ही मैंने कह दिया मे बी किसी फिल्म में एक्टिंग ऊपर नीचे हो सकता है, इट कुड बी पॉसिबल, मैंने सत्य बोला है, लेकिन द फैंस विल नेवर बी एबल टू डाइजेस्ट इट। और जैसे आप बाहर निकलेंगे आपका कम्युनिकेशन तो नहीं, आप पर बहुत प्यार से वो टमाटो भी फेंकेंगे और एक दो लगा भी देंगे आपको, राइट? जस्ट इमेजिन करिए सुबह से शाम तक ऑफिस में जाने के पहले आप ना स्क्रिप्ट लिखते हो, आज मीटिंग है, मैं हीरो बनूंगा, ये बोलूंगा ये बोलूंगा, विलन कौन है? नहीं शर्माओ नहीं, बोलो बोलो, हाँ सबसे पहले वो चित्रा था, वो बॉस, वो कभी नहीं सुधरेगा, वो है ही ऐसा। आपने जैसा ही संकल्प किया ना, बोला नहीं किसी को आपने, अपने वाइफ को भी शेयर नहीं किया, शायद अपने कलीग्स को भी नहीं बोला होगा, लेकिन वो मीटिंग में जाने के पहले अगर आपने अपने बॉस को देखकर कहा ये कभी नहीं सुधरेगा, कब इसका ट्रांसफर हो जाए, आपने यह संकल्प किया, पता क्या कर रहे हो, आपके वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर आपने अपने को तो हीरो बनाया, वो आपका अधिकार था और आप हो भी हीरो, लेकिन इमीडिएटली आपने क्या किया, आपने विलन बनाया आपके बॉस को, ऊपर से सुप्रीम डायरेक्टर क्या कहेगा, तथास्तु, प्रोड्यूसर टक करके उसको ओके करेगा,
you will see actually your boss fighting with you. You know why is the boss fighting? Aapne ek bahut logical baat kahi. In a meeting, you raised a very logical point, a design parameter, any parameter which was very important for that project. Lekin aapka boss dekhenge, he is absolutely dead against. Aur aap kahe to he has post-graduation, he has PhD. Why don't he understand this simple design parameter? The problem is not the design. The problem is not his or her qualification. The problem is, the challenge is, jaise aapne us boss ko apne script mein villain ka darja diya, aur aapne uske prati sankalp kiya, that particular boss jo hai na, apne bachcho ke wo pita hai. आप उसको विलन का दर्जा दे रहे हो, लेकिन वो जो व्यक्ति जिसको आप बॉस कह रहे हो ना, उस बच्चे का वो पिता है, और वो बच्चे अपने पिता से इतना प्यार करते हैं। वो जो व्यक्ति जिसको आप बॉस कह रहे हो ना, अपनी वो वाइफ का बहुत अच्छा प्यारा साजन है, वो अपने बेटे का इकलौता सुपुत्र है। जस्ट इमेजिन द मोमेंट आप अपने उस मानस पटल पर उसको विलन का रोल देते हो, तो उसके पीछे जितने भी उसके वेल विशर्स हैं, उनका सारा नेगेटिव फ्लो आपके पास आने लगता है, एंड इट बम्बार्ड्स टू यू। एंड बिलीव मी, उस समय मीटिंग पर इतना उसको वो आपका प्रति वो नेगेटिव फ्लो आता है कि वो बॉस जो होता अड़ जाता है, एंड इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। सुबह से शाम तक हम लोग बहुत बुद्धिशाली हैं, वी हैव गॉट इम्पेकेबल इंग्लिश, हम हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं। इट्स नॉट द लैंग्वेज, इट्स बेसिकली दिस थ्री वर्ड, म्यूजिक, कलर एंड इमेजेस। अगला 3 दिन आप यहां पर रहेंगे, और 3 दिन यहां रहते हुए मैं चाहता हूं आप देखिए किन किन लोगों को आपने वो विलन का दर्जा दे दिया। और बिलीव मी, 3 दिन बहुत दूर की बात है। यू मे, इफ यू आर कॉन्शियस, इफ यू आर अवेयर, विद इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मैंने किसी को विलन बना दिया। और फिर हमारे लिए देश के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट तो बैठे ही हैं। कुछ भी जाओ, यहां से अब ज्ञान सरोवर आ रहे थे, वो सारा रोड ठीक कर रहे थे। कैसा रोड है, स्वच्छ भारत कैंपेन करते हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगे। आपने विलन बना दिया उनको। कितनों को हम विलन बनाते रहते हैं, और कितना सहज हम बनाते हैं, और फिर दैट इज हाउ वी बिकम डिजीज्ड। इसलिए हमारे शब्दों में ना वो शक्ति नहीं होती है, शब्दों में शक्ति तभी बनेगी। सुबह से शाम तक आप अपने बच्चों का एडवाइस कर रहे हो, बच्चे ये करना, बच्चे ये नहीं करना, बच्चे क्यों नहीं सुन रहे आपकी? इंग्लिश में बोला, हिंदी में बोला ना आपने, आपका बच्चा भी इंग्लिश हिंदी सुनता है, समझता है, लेकिन आपकी जो वाणी में ना वो जौहर नहीं है। वो जौहर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आप हमारे पास वो शक्ति का स्टॉक नहीं है। 3 डेज में अगर आपने ये चेक किया, आप ट्राई करके देखिए, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी सो ब्यूटीफुल, इट्स सो कॉम्प्लीमेंट्री, एंड साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी बोथ आर एक्सपेरिमेंटल ओरिएंटेड। दोनों का एक्सपेरिमेंट्स होता है। हाइपोथेसिस से स्टार्ट करिए, उसको एक्सपेरिमेंट करिए, एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, यू क्रिएट अ न्यू हाइपोथेसिस, मेक अ स्मॉल डेल्टा एक्स इन योर रिसर्च हाइपोथेसिस, एक स्मॉल डेल्टा एक्स। ये करने से ये रिजल्ट क्यों नहीं मिला, दैट इज ऑल्सो एन आंसर, दैट इज ऑल्सो अ लर्निंग। 3 दिन आप अपने परिवार के सदस्यों के प्रति सब अच्छा ही सोचिए, किसी को विलन नहीं बनाइए, और 3 दिन के बाद जब आप वापस जाएंगे ना, बस आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, आपकी दृष्टि ही सारा का सारा काम करेगी। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू एक्सप्लोर, यू हैव टू एक्सपेरिमेंट, एंड सर्टनली यू हैव टू एक्सपीरियंस। एंड द लास्ट बिफोर आई वाइंड इट अप, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आज आप देख रहे हैं किन 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 को आप विलन बना देते हैं, और कहां कहां आपका कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन है। और सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है मिसअंडरस्टैंडिंग, राइट? मैंने उनके प्रति इमेज बनाया, उन्होंने इनके प्रति इमेज बनाया, दोनों उस इमेज उस फ्लो से जाते हैं, और कितना ब्रेकडाउन कम्युनिकेशन, राइट? मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप देखिए आपके चारों तरफ इर्द गिर्द कहीं पे भी ब्रेकडाउन कम्युनिकेशन है। आज आप बहुत पवित्र स्थान पर आए हैं, अगले 3 दिन में आपको शक्ति मिलेगी। अगर आपके पास वो शक्ति है, मोबाइल आपके पास है, बहुत सारे फ्री, रिलायंस जियो भी है, व्हाट्सएप भी है, सब कुछ आपके पास है, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन कितनों के पास वो शक्ति है कि बहुत वर्षों से हुआ ब्रेकडाउन कम्युनिकेशन, राइट? एटलीस्ट द क्लोज वंस, रिलेटिव्स,
फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, आप फोन उठाकर ओम शांति, आप कैसे हो, आई एम फाइन हियर, अगर आप ये तीन डायलॉग बोल पाए, बिलीव मी, आप साइंटिस्ट हो, आप इंजीनियर हो, ये तो मैं भी जानता हूँ, आपके पास वो क्वालिफिकेशन है, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आपने वो तीन वर्ड अगर कम्युनिकेट किया, तीन सेंटेंस, नेचुरली आज मैं अपने बच्चों से पूछ रहा था, अगर आप ये कर पाएंगे, विल बिकम अ गुड इंजीनियर, विल बिकम अ गुड साइंटिस्ट, यू विल बिकम अ गुड मदर, यू विल बिकम अ गुड फादर, आई विल बिकम अ गुड टीचर, विल मेक अ गुड ह्यूमैनिटी, अ गुड वर्ल्ड. आज आप देखिए कहाँ कहाँ ब्रेक डाउन कम्युनिकेशन. और प्लीज, चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से, घर के परिवार से, घर के रिलेटिव से. हर सितारे की अपनी दुनिया होती दोस्तों, क्योंकि आप भी उस सितारे उसी दुनिया में हो. किसी रिलेटिव के साथ बहुत डिशुम डिशुम हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बच्चों के साथ हुआ, राइट, बहू के साथ हुआ, बहू के पेरेंट्स, देयर आर सो मेनी इन्यूमरेबल रिलेशंस. लेकिन उस क्लोज सर्किट में अगर हो सके, और खास करके पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, कहीं ब्रेक डाउन कम्युनिकेशन होता है तो मैं आपको एक सुंदर सा एक टेक्निक बताता हूँ. एंड दैट ब्यूटिफुल टेक्निक इज, कभी कभी होता है कुछ लोगों से हम लोग डायरेक्टली बात भी नहीं कर पाते, माता पिता बच्चों के साथ कितना बोलें, लेकिन एक बहुत सुंदर वे ऑफ कम्युनिकेशन इज राइट डाउन अ लेटर, पत्र लिखना. मैं आपसे एक लास्ट बात बताकर वाइंड अप करूंगा. आप में से ऐसे मेरे कितने दोस्त यहाँ बैठे हैं हु हैव रिसीव्ड लव लेटर्स इन योर लाइफ? सर 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 ओके. मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट से पूछा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिसीव्ड लव लेटर्स? एक खड़े होकर कहता, सर नया नया एडमिशन हुआ, पिछले वाला रिलेशन तो ब्रेक डाउन हो गया है, अभी नया नया एडमिशन होगा, परिचय होगा, लव लेटर भी होगा. मैंने कहा ओके ओके, लेट मी मेक माय क्वेश्चन वेरी क्लियर. लव इज अ ब्यूटीफुल इमोशन. मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, हु हैव रिसीव्ड लव लेटर्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, वो इनलैंड का लेटर? आई अगेन मेक दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. आप में से कितने हमारे दोस्त हैं, बचपन के दिनों को याद करो, पापा या मम्मा का वो लव लेटर आपके पास पहुंचा, वो हाथ उठाए जस्ट एक. आप में से कितने लोग ने लव लेटर यूज रिसीव किया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट. और आज आप हमारे बच्चों को देखिए. मैंने अपने क्लास में स्टूडेंट से पूछा, इट वॉज ओनली वन स्टूडेंट आउट ऑफ 60 हु हैव रिसीव्ड अ लव लेटर इन दैट इनलैंड, यू नो दिस वन. मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ, तो व्हेन आई वाज इन द इंजीनियरिंग कॉलेज, माय पापा वाज अ मिलिट्री पर्सन, तो कभी सीधे मुंह बात नहीं करते थे, इट वॉज ऑलवेज वाया प्रोटोकॉल, मम्मा से बोलते थे, मम्मा मुझसे बोलती थी, लेकिन हर महीने पापा मुझे एक लेटर लिखते थे. और आई यूज टू रिसीव इन माई इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल, स्टैंडर्ड डायलॉग लिखते थे, अच्छे से पढ़ाई करना, राइट, टीचर्स को रिस्पेक्ट करना, क्लास में बिल्कुल मस्ती वस्ती नहीं करने का, सिगरेट नहीं पीने का, हर दिन 20 सिगरेट खुद पीते थे, लिखते थे सिगरेट नहीं पीने का. उस उम्र में मैंने एक बात मुझे समझ में आ गई थी, थैंक्स टू माई पापा'स लव लेटर. उस दिन मुझे समझ में आया कि मेरे पापा का ना मुझसे बहुत प्यार है, पापा का बस प्रॉब्लम ये है कि पापा उस प्रेम को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. उस छोटे से उम्र में मुझे बात समझ में. आज हमारे बच्चों के पास वो फैसिलिटी नहीं है. एक काम करिए, अपने बच्चे के नाम पर एक प्रेम पत्र लिखिए, उसके नाम पर, वो आपके घर में ही रहता होगा, राइट, अच्छे से प्रेम पत्र लिखिए एंड लेट इट गो थ्रू योर पोस्ट ऑफिस, गेट इट स्टैम्प्ड. आपके बेटे के पास आएगा, वो पढ़ेगा, और जिंदगी भर उसका कभी मन कमजोर होगा ना, वो आपका प्रेम पत्र उठाकर धीरे से देखेगा. दिस इज वॉट आई सजेस्ट. लेकिन ये तीन दिन में कम्युनिकेशन में सुर, ताल, शब्द, है ना, रंग, है ना, म्यूजिक एंड इमेजेस तो हमने देखा. वॉट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट 3 days इज बेसिकली हु इज द कम्युनिकेटर. आई एम यूजिंग दिस माइक्रोफोन टू कम्युनिकेट, बट एक्चुअली हु इज द कम्युनिकेटर? और अगर हम सब स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, अब हम हीरो हैं, कभी वक्त मिला तो सुप्रीम डायरेक्टर से अगर मुझे कम्युनिकेट करना है, हाउ विल आई कम्युनिकेट विद ऑलमाइटी गॉड? इन रहस्यों को आप आने वाले दिनों में जरूर जरूर देखेंगे. आज आपसे कम्युनिकेट करके बहुत बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच. ओम शांति. ओम शांति. हम सभी को पता है कि सबसे अच्छा कम्युनिकेशन है परमात्मा से. जो कोई नई बात समझ पाता है, जो कोई हमें समझ पाए, ऐसा जो है
वो संसार में एक ही है, कौन? परमात्मा। चाहे हम उससे बात करें, चाहे उससे हम झगड़े, चाहे हम उसे प्यार करें, चाहे हमारी भोली भाली भाषाओं में उनसे कुछ भी कहे, किसी भी रीति से कहे, वो हमारे मन के भाव को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेता है, वो है परमात्मा। आज हम यहाँ 3 दिन तक बीच बीच में अपने मन को परमात्मा से जोड़ेंगे। चलिए जोड़ने के लिए अपने स्थान में अच्छी तरह से बैठ जाए। अगर आपके हाथों में कोई चीज़ें हैं, उसे साइड पर रख दीजिए। अगर आपके मन में कोई बातें लेकर बैठे हैं, उसे भी एक तरफ रख दीजिए और अपने मन की आँखों से, अपने आप की नज़रों से परमात्मा को अनुभव करने की कोशिश कीजिए। थोड़ी समय के लिए बाह्य जगत से अंतर जगत की यात्रा पर चले, अंतर मन में, मस्तक के बीच में एक सुंदर सा चमकता हुआ अनंत प्रकाश, आत्मा रूपी ज्योति चमक रही है। मैं यही अनंत ज्योति हूं। एक सुंदर सी शक्ति हूं। अनुभव करे मस्तक से चमकती हुई ज्योति से, सुंदर से सुनहरे किरणें पूरे शरीर में फैल रहे हैं। पूरा शरीर दिव्य प्रकाश से उज्जवल हो रहा है। मैं आत्मा, सुंदर सी शक्ति, मेरा मूल स्वभाव शांत, मेरा मूल स्वरूप शांत, मेरे निजी संस्कार शांत, मेरा सुंदर सा खजाना शांति, मेरी चारों तरफ इसी शांति का प्रकंपन है। मैं मूल स्वरूप से शांत, शुद्ध अनुभव कर रहा हूँ। शांति मेरा असली गुण है। मेरी स्मृति को मैं जागृत कर रहा हूँ कि मैं शांत हूँ। मैं आत्मा, इस देह रूपी मंदिर से अपने आप को इस जगत से पार, प्रकृति के पंच तत्वों से भी ऊपर, आकाश तत्व से भी ऊपर, चांद तारों की दुनिया से भी पार, छठे ब्रह्म तत्व
शांति की दुनिया में, जहां मेरे प्यारे पिता, मेरे हितेशी, मेरे सतगुरु, मेरे परम रक्षक, शांति के सागर चमक रहे हैं, मैं उनके सानिध्य में संपूर्ण शांत स्वरूप में स्थिर हूँ। शांति के सागर, शांति के पिता, शांति के दाता, शांति के प्रकंपन मुझको प्रदान कर रहे हैं। मैं शांत, अंदर से शांत, संपूर्ण रूप से शांत और स्वस्थ हो रही हूँ। क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, बुरी भावनाएं मुझसे लुप्त हो चुकी है। प्यार, पवित्रता, सद्भावना इसी शांति की शक्ति से जागृत हो चुकी है, क्योंकि मैं भगवान से जुड़ी भगवान की शक्तियाँ मुझसे जुड़ी। आज मैं परमात्मा से एक दिव्य संकल्प कर रही हूँ। मैं शांत चित्तात्मा अपना हर कर्म शांतपूर्ण पूरी स्वस्थता से शांतिमय व्यवहार से कर्म क्षेत्र पर कर्म करूंगी। मैं शांत, संपूर्ण शांत कर्म क्षेत्र पर शांति से व्यवहार करूंगी। बोल, दृष्टि, वृत्ति शांत, मैं अपने कर्म क्षेत्र पर शांतिपूर्ण व्यवहार करूंगी। आइए अपनी आंखें खोलकर अपनी स्मृति को दोहराइए। शांत, मैं शांत, मैं अपने कर्म क्षेत्र पर शांतिपूर्ण व्यवहार करूँ।